एवरी एवरीवन वेलकम टू बायोवर्स लाइफ साइंसेज आज का हमारा टॉपिक है ड्रासोफिला का फर्टिलाइजेशन एंड क्लीवेज ड्रासोफिला का जो अर्ली डेवलपमेंट है हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है ड्रासोफिला में किस तरीके से फर्टिलाइजेशन होता है और फिर क्लीवेज कैसे होता है ताकि फ्लाई का पूरा डेवलपमेंट हो सके तो वही चीज़ आज हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में तो चलिए स्टार्ट करते हैं अगेन वेरी वॉर्म वेलकम एवरीवन वेलकम टू बायोवर्स लाइफ साइंसेज ओके okay, तो हम स्टार्ट करते हैं अर्ली ड्रोसोफिलाईज न्यूक्लियर डिवीजन जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया भी था कि तेरह न्यूक्लियर डिवीजन होते हैं और इनमें कंपार्टमेंटलाइजेशन कब तक नहीं होता है जब तक तेरह के तेरह न्यूक्लियर डिविजन कंप्लीट नहीं हो जाते क्योंकि Uh, जब तक ट्वेल्व uh, डिविजन होते हैं इसमें न्यूक्लियस का डिवीजन होता रहता है और थर्टींथ डिवीजन के टाइम पे यहाँ पे सेल मेम्बरेन बन जाती है हर एक न्यूक्लियस के अलॉन्ग तब प्रॉपर कंपार्टमेंटलाइजेशन यहाँ पे देखा जाता है यहाँ पे डेवलपमेंटल साइकिल दिखाई गई है मेल एंड फीमेल की मेटिंग के बाद में यहाँ पे एम्ब्रायो का फॉर्मेशन होता है जो कि ट्वेंटी फोर आवर्स के बाद में एक इंस्टार लार्वा बनाता है ये इंस्टार लार्वा का भी जो टाइम होता है वो कुछ चौबीस घंटे का ही होता है और फिर इसके बाद में बनता है सेकेंड इंस्टार लार्वा सेकेंड इंस्टार लार्वा अगेन ट्वेंटी फोर आवर्स के बाद में थर्ड इंस्टार लार्वा बनाता है और फिर फाइनली अप्रॉक्सीमेटली टू टू थ्री डेज के लिए प्यूपा का फॉर्मेशन होता है ये प्री प्यूपा होता है जो कि दो से तीन दिन तक रहता है इस प्री प्यूपा से फॉर्मेशन होता है उूपा का जो कि फाइनली मेल एंड फीमेल फ्लाइज का फॉर्मेशन करते हैं तो कुछ ये है डेवलपमेंटल साइकिल ड्रोसोफिला की होता क्या है जब ये थर्टींथ न्यूक्लियर डिवीजन होता है कंपार्टमेंट्स बन जाते हैं हर एक न्यूक्लियस के चारों तरफ सो प्रायर टू दिस टाइम द डिवाइडिंग न्यूक्लियाई ऑल शेयर अ कॉमन साइटोप्लाज्म जितने भी अगर जब थर्टींथ डिवीजन नहीं हुआ है कंपार्टमेंट्स नहीं बना हुआ है तो जितने भी डिवाइडिंग न्यूक्लियस होते हैं ऑल शेयर अ कॉमन साइटोप्लाज्म क्योंकि एक साइटोप्लाज्म है उसी में सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो सारे के सारे ही एक कॉमन साइटोप्लाज्म शेयर करते हैं एंड मटीरियल्स कैंड डिफ्यूज थ्रू आउट दी होल इम्ब्रायो और जो भी मेटीरियल्स होते हैं ये पूरे के पूरे इम्ब्रायो में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं डिफ्यूज होते रहते हैं लेकिन जब फाइनल डिविजन हो जाता है उसके बाद में कंपार्टमेंट्स बन जाते हैं हर एक न्यूक्लियस के चारों तरफ अपनी अलग बाउंड्री और खुद का अलग एक साइटोप्लाजम हो जाता है उस पर्टिकुलर बाउंड्री में सो दिस इज सिंसाइटियल स्पेसिफिकेशन जो कि हम लास्ट वीडियो में भी पढ़ चुके हैं एंड डिफरेंट सेल टाइप्स अलोंग द एंटीरियर पोस्टीरियर एंड डोर्सल वेंट्रल एक्सेसेस आर स्पेसिफाइड बाय इंट्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट्स विद इन दी सिंगल मल्टी न्यूक्टेड सेल जो भी एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सेस और डॉर्सल वेंट्रल एक्सेस का फॉर्मेशन होता है वो फॉर्मेशन होता है जब न्यूक्लियस डिवाइड हो रहे होते हैं इनके चारों तरफ बाउंड्री नहीं होती है एक सिंगल साइटोप्लाज्म में रहते हैं उसी टाइम पे इनके बीच में बहुत सारे इंटरक्शन होते हैं बहुत सारे कंपोनेंट्स का इंटरेक्शन होता है और इन इंट्रैक्शन के थ्रू ही डिसाइड हो जाता है कि एंटीरियर पोस्टीरियर या डोरसल वेंट्रल एक्सिस कहां पर बनने वाली है उन इंट्रैक्शन का ये जो फॉर्मेशन होता है न्यूक्लियस के चारों तरफ बाउंड्री उससे कोई भी लेना देना नहीं होता है एंटीरियर पोस्टीरियर एंड डोर्सल वेंट्रल एक्सेस का वो डिसीजन तभी ले लेते हैं जब उस सारी न्यूक्लियस एक सिंगल साइटोप्लाज्म में रहते हैं आई होप आई एम क्लियर टू ऑल ऑफ यू सो नाउ फ्लाइज एंटीरियर पोस्टीरियर एंड डोर्सल वेंट्रल एक्सेस आर स्पेसिफाइड बाई इंट्रेक्शन बिटवीन द एग एंड इट्स सराउंडिंग फॉलिकल सेल्स प्रायर टू दर्टिलाईजेशन एंटीरियर पोस्टीरियर एंड डोर्सल वेंट्रल एक्सेस का फॉर्मेशन कैसे होता है जो एग है और इसके चारों तरफ फॉलिकुलर सेल्स होती हैं उन फॉलिकल सेल्स के बीच में इस एग का क्या इंट्रैक्शन है ये डिसाइड हो जाता है फर्टिलाइजेशन से पहले ही फर्टिलाइजेशन बाद में होगा मेटिंग जो होती है वो बाद में होगी जो फ्लाई है फ्लाई का जब एग है एग के बीच एग के पास में ही फॉलिकुलर फैक्टर्स होते हैं फॉलिक फॉलिकल सेल्स होती हैं इन फॉलिकल सेल्स के बीच में ऐसा इंटरेक्शंस है फोलिकुलर सेल्स के साथ में एग कैसे इंटरेक्ट कर रहा है वो डिसाइड करता है कि इंटीरियर, पोस्टीरियर और डोर्सल वेंट्रल एक्सिस कैसे बनने वाले हैं तो अब हम आते हैं स्टेजेस इन डेवलपमेंट डेवलपमेंट में बहुत सारी स्टेजेस होती हैं लाइक क्लीवेज से गैस्ट्रुलेशन तक की प्रोसेस तक पहुंचने के लिए यहां पे बहुत सारी प्रोसेसेस होती हैं जिनमें की फर्टिलाइजेशन क्लीवेज मिड ब्लास्टुलर ट्रांजिशन एंड गैस्ट्रुलेशन ये चार मेन प्रोसेसेस हैं जो कि देखी जाती हैं डेवलपमेंट के टाइम सबसे पहले फर्टिलाइजेशन होता है कुछ इस तरीके का एम्ब्रायो दिखेगा आपको जिसमें कि आपको सिंसाइटियल ब्लास्टोरम देखने को मिलेगा उसके बाद में क्लीवेज होगा क्लीवेज के बाद में बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाते हैं फिर क्लीवेज के बाद में आएगा मिड ब्लास्टुला ट्रांजिशन मिड ब्लास्टुला ट्रांजिशन होने के बाद में फाइनली होगा गैस्ट्रुलेशन और गैस्ट्रुलेशन की प्रोसेस के बाद में सेगमेंटेशन हो जाता है सारे न्यूक्लियस अलग अलग वॉल से कंपार्टमेंट बना लेते हैं और फाइनली फ्लाई का डेवलपमेंट फिनिश हो जाता है तो आज का जो वीडियो है हमारा इसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं विद फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन से स्टार्ट करेंगे और हम देखेंगे कि कौन कौन सी प्रोसेसेस होती हैं फर्टिलाइजेशन में Okay, so स्टार्ट विथ होता है egg activation का। egg का formation हुआ है, तो ये ऐसे ही जो participate नहीं करता है फर्टिलाइजेशन सो एग एक्टिवेशन so, में क्या होता है एग एक्टिवेशन इन ड्रोसोफिलाईज एक्म्प्लिस्ट एट ओव्यूलेशन जब ओव्यूलेशन की प्रोसेस होती है एग का रिलीज होता है मदरफ्लाई से उसी टाइम पे एग का एक्टिवेशन होता है अ फ्यू मिनट बिफोर फर्टिलाइजेशन बिगिन फर्टिलाइजेशन स्टार्ट होने से कुछ ही मिनट पहले एग का एक्टिवेशन होता है ओव्यूलेशन के टाइम पे एज दी ड्रोसोफिला ओसाइट स्क्वीज़ेस थ्रू अ नैरो ऑरिफिस जब ओव्यूलेशन होता है ओव्यूलेशन की प्रोसेस के बाद में ये जो ओसाइट है ये एक नैरो ऑरिफिस से पास करता है स्क्वीज करता है कैल्शियम चैनल ओपन्स एंड कैल्शियम आयन फ्लोज इन क्या होता है जैसे जैसे ये पास करता है वैसे ही कैल्शियम चैनल्स ओपन हो जाते हैं और कैल्शियम आयंस का यहाँ पे फ्लो स्टार्ट हो जाता है दी उड न्यूक्लियस देन रिज्यूम्स इट्स म्योटिक डिविजन होता क्या है फर्टिलाइजेशन से पहले जो आ, ये ओव्यूल है और जो एग है ये म्योटिक डिवीजन पे स्टॉप होता है हाफ म्यूसिस हो चुकी होती है और जैसे ही ये ओव्यूलेशन होता है इसका म्योटिक डिवीजन स्टार्ट हो जाता है जैसे ही इसको ये कैल्शियम आयंस मिलते हैं म्योटिक डिवीजन ये दोबारा से स्टार्ट कर देता है एंड द साइटोप्लाज्मिक एम आर एनेज बिकम ट्रांसलेटेड विदाउट फर्टिलाइजेशन और बिना फर्टिलाइजेशन के ही यहाँ पे साइटोप्लाज्मिक एम आर एनेस जो होते हैं उनका ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाता है और वो प्रोटीन का फॉर्मेशन स्टार्ट कर देते हैं तो एग का एक्टिवेशन हुआ यहाँ पे कौन कौन सी ध्यान रखने वाली बातें हैं सबसे पहले ओव्यूलेशन के टाइम पे जैसे ही ये ओव्यूल मूव करता है कैल्शियम चैनल्स ओपन हो जाते हैं और कैल्शियम आयंस अंदर आने लगते हैं जब कैल्शियम आयंस अंदर आते हैं कैल्शियम आयन से इंट्रैक्ट होता है और मियोटिक डिवीजन एग का स्टार्ट हो जाता है जो कि साइटोप्लाज्मिक एमआरएनए का ट्रांसलेशन स्टार्ट कर देता है और ट्रांसलेशन क्या करता है अल्टीमेटली प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है और यहां पे ये चीजें हो जाती हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है और व्यूल का ही एग का एक्टिवेशन हो रहा है अब क्या है अगला रोल आता है साइट ऑफ स्पर्म एंट्री का जो एग है एग में जहां से स्पर्म एंटर करता है उसको नाम दिया जाता है माइक्रोपाइन इस माइक्रोपाइल के थ्रू ही स्पर्म की एंट्री होती है या कह सकते हैं कि जिस जगह पे स्पर्म एंटर करता है उसको माइक्रोपाइल का नाम दे दिया जाता है सो दिस इज माइक्रोपाइल लोकेटेड एट फ्यूचर डोरसल एंटीरियर रीजन ऑफ द ये जो माइक्रोपाइल है ये वहां पे होता है जहां पे फ्यूचर का डोरसल एंटीरियर रीजन बनने वाला होता है कुछ डोरसल रीजन में यहाँ पे माइक्रोपाइल प्रेजेंट होता है The micropyle allows sperm to pass through it one at a time and probably prevents polyspermy in Drosophila. ये जो micropyle होता है इसकी property क्या होती है कि इसमें सिर्फ एक ही sperm enter कर सकता है एक time पे एक ही sperm enter करता है और उसके बाद में एक polyspermy की process होती है Polyspermy मतलब more than one sperm की entry इस पॉली स्पर्मी की प्रोसेस को प्रिवेंट कर दिया जाता है एक बहुत अच्छी प्रोसेस होती है इसकी वो भी हम डिस्कस करेंगे कि पॉली स्पर्मी का प्रिवेंशन कैसे होता है ये माइक्रोपाइल ही है जो कि पॉली स्पर्मी को प्रिवेंट कर देती है ताकि एक सिंगल स्पर्म से एग का फर्टिलाइजेशन हो सके देयर आर नो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स टू ब्लॉक पॉली स्पर्मी कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं एग में कुछ इस तरीके से बॉडीज प्रेजेंट होती है कार्टिकल ग्रेन्यूल बोला जाता है और फर्टिलाइजेशन के बाद ये कार्टिकल ग्रेन्यूल्स एक बहुत हार्ड सी लेयर बना लेते हैं एक के चारों तरफ ताकि यहाँ पे पॉली स्पर्मी ना हो सके मोर देन वन स्पर्म ना इंटर कर सके लेकिन ड्रोसोफिला के, के केस में यहाँ पे कार्टिकल ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते क्योंकि ड्रोसोफिला एक इंसेक्ट है तो यहाँ पे कुछ कॉर्टिकल चेंजेस देखे जाते हैं कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स नहीं होते हैं लेकिन कुछ कॉर्टिकल चेंजेस होते हैं जो कि पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट करते हैं ओके। okay. जब एग की एग में स्पर्म की एंट्री हो जाती है बाय द टाइम द स्पर्म इंटर्स द एग द एग हैज ऑलरेडी बिगन टू स्पेसिफाई द बॉडी एक्सेस जब स्पर्म इंटर कर रहा है उस टाइम पे जो एग है वो ऑलरेडी बॉडी एक्सेस का फॉर्मेशन स्टार्ट कर चुका होता है एंटीरियर पोस्टीरियर एंड एंडसल वेंट्रल एक्सेस का फॉर्मेशन एग में पहले से चल रहा होता है दस स्पर्म इंटर्स एंड एग दैट इज ऑलरेडी ऑर्गेनाइजिंग इट सेल्फ एज एन इम्ब्राय स्पर्म उस एग में पहुंचता है जो कि पहले से इम्ब्रायो बनने की तैयारी कर रहा होता है क्योंकि वो पहले से इंटीरियर पोस्टीरियर डोरसल वेंट्रल एक्सेस बना रहा है उसको ये नहीं है कि पहले फर्टिलाइजेशन होगा स्पर्म आएगा उसके बाद में यहां पे एक्सिस का फॉर्मेशन किया जाएगा ये पहले से ही खुद को ऑर्गेनाइज करने लगता है एज एन दिस स्पर्म एंड एग सेल मेम्ब्रेन्स डू नॉट फ्यूज यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज जो स्पर्म और एग सेल की मेम्ब्रेन होती हैं उनमें फ्यूजन नहीं होता है ड्रेदर दी स्पर्म इंटर्स दी एग इंटैक्ट नॉर्मली क्या होता है ह्यूमन फर्टिलाइजेशन में देखा जाता है स्पर्म आता है एग से इंटरेक्शन के बाद में इसका जो कंटेंट होता है वो अंदर चला जाता है और इसकी जो मेम्ब्रेन होती है पहले स्पर्म और एग की मेम्ब्रेन फ्यूज होती है और स्पर्म का जो न्यूक्लियाई है कंटेंट है वो अंदर चला जाता है पूरा का पूरा स्पर्म एग में एंटर नहीं करता लेकिन ड्रोसोफिला के केस में क्या होता है दी स्पर्म इंटर्स द एग इंटैक्ट पूरा का पूरा स्पर्म इसके अंदर इंटर कर जाता है द डीएनए ऑफ द मेल एंड फीमेल प्रो न्यूक्लियाई रेप्लीकेट बिफोर दी प्रो न्यूक्लियाई हैव फ्यूज्ड। जो मेल एंड फीमेल प्रो न्यूक्लियाई का रेप्लीकेशन होता है वो प्रो न्यूक्लियाई के फ्यूजन से पहले ही स्टार्ट हो जाता है एंड आफ्टर दी प्रो न्यूक्लियाई फ्यूज जैसे ही दोनों के न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है दी मैटर्नल एंड पैटर्नल क्रोमोसोम्स रिमेन सेपरेट अंटिल दी एंड ऑफ दी फर्स्ट माइटोसिस यहाँ पे ये यह बताया जा रहा है जो मेल एंड फीमेल के प्रो न्यूक्लियाई का न्यूक्लियस होता है जो डीएनए होता है ये पहले से ही रेप्लीकेट कर जाता है फ्यूज़न से पहले और जैसे ही इनमें फ्यूजन होता है फ्यूजन के बाद में ये दोनों ही क्रोमोसोम अलग अलग ही रहते हैं जब तक कि इनमें फर्स्ट माइटोसिस कंप्लीट नहीं हो जाती फर्स्ट माइटोसिस कंप्लीट होने के बाद में डिवीजन के बाद में इन दोनों का एक साथ में होना होता है तब तक ये दोनों ही सेपरेट रहते हैं मेल और फीमेल डी अलग ही रहते हैं बाद में इनका कम्बाइंड फॉर्म बनता है तो फर्टिलाइजेशन की बात हुई अब हम आते हैं क्लीवेज पे क्या स्टेजेस थी फर्टिलाइजेशन क्लीवेज मिड ब्लास्टुलर ट्रांसिशन एंड गैस्ट्रुलेशन तो फर्टिलाइजेशन हमने पढ़ लिया अब है हमारा क्लीवेज तो क्लीवेज हमने देखा है सुपरफिशियल और सिंसाइटियल होता है यहां पे। तो सुपरफिशियल क्लीवेज में क्या होता है हियर इन अ लार्ज मास ऑफ सेंट्रली लोकेटेड यॉक जो यॉर्क है सेंटर में योक प्रेजेंट होता है इंसेक्ट्स में सेंटर में यौक होता है और ये जो यॉक होता है ये क्लीवेज का प्रोसेस स्टार्ट करता है इट कन्फाइन्स क्लीवेज टू दी साइटोप्लाज्मिक रिम ऑफ दी एग क्लीवेज ये यहां तक पहुंचाता है कि जो एग की साइटोप्लाज्मिक रिम है वहां पे ये डायरेक्शंस देता है ताकि क्लीवेज स्टार्ट हो सके और इसको सुपरफिशियल क्लीवेज भी बोला जाता है इसके बाद में क्लीवेज स्टार्ट होने पे क्या होता है सिन साइटियल क्लीवेज स्टार्ट हो जाता है उसमें क्या होता है न्यूक्लियस डिवाइड होता रहता है एक से दो न्यूक्लियस wow. बनते हैं दो से चार बनते हैं और यहाँ पे बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाते हैं विदाउट फॉर्मेशन ऑफ एनी साइटोप्लाज्मिक और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सो वन ऑफ द फैसिनेटिंग फीचर ऑफ दिस क्लीवेज पैटर्न इज दैट सेल्स डू नॉट फॉर्म अंटिल आफ्टर द हैव डिवाइडेड सेवरल टाइम्स तब तक सेल्स नहीं बनती हैं जब तक न्यूक्लियस का डिवीजन बहुत बार नहीं हो चुका होता है दिस रैपिड रेट ऑफ डिवीजन इज एक्म्प्लिस्ड बाई रिपीटेड राउंड ऑफ अल्टरनेटिंग एस दैट इज डीएनए की सिंथेसिस की फेज होती है एस फेज एंड एम फेज इन दबसेंस ऑफ द गैप फेज बहुत इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये है आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा सीएसआईआर में कि कौन सी फेज नहीं होती है तो यहाँ पे एस फेज होती है जहाँ पे डीएनए का सिंथेसिस होता है एम फेज होता है जहाँ पे डिवीजन uh, हो जाता है लेकिन यहाँ पे जी फेज नहीं होता है सेल साइकिल का जो जी वन और जी टू स्टेज होती हैं जहाँ पे सेल uh, अपने आप को प्रिपेयर करती है डिवीजन के लिए तो यहाँ पे वो फेजेस नहीं होती हैं डायरेक्टली डीएनए की सिंथेसिस होती है और न्यूक्लियस का डिवीजन हो जाता है माइटोसिस हो जाता है यहाँ पे साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस नहीं होती सेल डिवाइड नहीं होती है ड्यूरिंग द डिवीज़न साइकिल अभी थर्टींथ डिवीजन के बाद में पे बाउंड्री uh, का फॉर्मेशन होता है न्यूक्लियस के चारों तरफ तो जब नाइन्थ डिवीज़न हो रहा होता है उस टाइम पे क्या होता है अप्रोक्सीमेटली फाइव न्यूक्लियाई रीच द सर्फेस ऑफ द पोस्टीरियर पोल ऑफ द इम्ब्रायो ये इम्ब्रायो है फर्टिलाइजेशन के बाद रेडी हो गया है तो नाइन्थ डिवीज़न जैसे ही कम्प्लीट होता है इसके बाद में कम से कम पांच न्यूक्लियस होते हैं जो कि पोस्टीरियर सरफेस पे पोस्टीरियर पोल पे पहुंच जाते हैं ये पोस्टीरियर पोल है ये इंटीरियर ये पोस्टीरियर अगर लेते हैं तो यहाँ पे पांच न्यूक्लियाई पोस्टीरियर पोल पे पहुंचते हैं एंड दीज न्यूक्लियाई बिकम एनक्लोज बाई सेल मेम्बरेन्स एंड जेनरेट दी पोल सेल्स अब इन पांचों के चारों तरफ मेम्बरेन का फॉर्मेशन हो जाता है और ये पोल सेल्स बनाते हैं पोल सेल्स का काम क्या होता है जो एडल्ट ड्रोसोफिला बनेगा उसमें गैमिट बनाते हैं गिव राइज टू दी गैमीट ऑफ ड्रोसोफिला फ्लाई का गैमिट फॉर्मेशन में पोल सेल्स का बहुत ज्यादा रोल होता है एट साइकिल टेन ये तो हुआ नाइन्थ साइकिल में नाइन्थ साइकिल में क्या हुआ पोल सेल का फॉर्मेशन हुआ टेंथ साइकिल में अदर न्यूक्लियाई माइग्रेट टू दी कॉर्टेक्स ऑफ द एग एंड माइटोसिस कंटिन्यूज अब क्या होता है बाकी जितने न्यूक्लियस है वो भी पेरीफेरी की तरफ जाने लगते हैं लेकिन अभी भी इनके चारों तरफ बाउंड्री का फॉर्मेशन नहीं हुआ अभी भी माइटोसिस न्यूक्लियर डिवीजन ही कंटिन्यू हो रहा होता है न्यूक्लिया रीच देरीफेरी ऑफ दबेंथ डिवीजन में सारे जितने भी न्यूक्लियस हैं वो पेरीफेरी की तरफ जाने लगते हैं और जब ये सारे पेरीफेरी पे पहुंच जाते हैं ड्यूरिंग फिल्मेंट हर एक न्यूक्लियस के चारों तरफ माइक्रोट्यूब्यूल्स और एक्टिन फिलामेंट्स का गैदरिंग होने लगता है सराउंडेड होने लगता है ये चारों तरफ से विद दी हेल्प ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल एंड एक्टिन फिलाेंट्स ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं, ये आपको क्वेश्चन डायरेक्टली इनसे आ सकता है बी सेक्शन में डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि कौन से न्यूक्लियर डिवीजन के टाइम पे यहाँ पे न्यूक्लियस माइक्रो ट्यूब्यूल्स या एक्टिन फिलाेंट से सराउंड होते हैं या फिर इस तरीके से पूछा जा सकता है कि टेंथ डिवीजन के समय जहाँ पे फेरी पे सारे न्यूक्लियस पहुंच जाते हैं उस टाइम पे कौन कौन सी कंपोनेंट्स होते हैं जो कि उसके डिवीजन में उसके फर्दर डिवीजन में हेल्प करते हैं डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं स के चारों तरफ ये माइक्रोट्यूब और एक्टिन फिलाेंट्स एग्रीगेट होने लगे हैं इनको बोला जाता है इनर्जिट्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट नाउ फॉलोइंग डिविजन साइकिल थर्टीन जैसे ही थर्टींथ डिविजन कम्प्लीट होता है दी सेल मेंब्रेन विच हैज कवर्ड दोल्ड फोल्ड्स इनवर्ड बिटवीन द न्यूक् पार्टीशनिंग ऑफ ईच एनर्जी इनटू सिंगल सेल दिस प्रोसेस क्रिएट दी सेलुलर ब्लास्टोडर्म होता क्या है थर्टींथ डिवीजन होते ही जो सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस हैं ये अंदर की तरफ फोल्ड होने लगती है और कुछ इस तरीके से हर एक न्यूक्लियस के चारों तरफ एक बाउंड्री का फॉर्मेशन करती है और इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है यहाँ पे सेलुलर ब्लास्टोडर्म का फॉर्मेशन हो रहा होता है और इसमें जो भी एक्टिन माइक्रोट्यूबल फिलामेंट है न्यूक्लियस है हर एक चीज को ये एक सिंगल सेल बना देती है और इस तरीके से यहाँ पे बहुत सारे सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है इस इमेज में भी आप देख सकते हैं पहले सिंगल न्यूक्लियस है फिर दो का फॉर्मेशन हुआ चार और इस तरीके से न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है टेंथ डिवीजन पे आप देखिए ये न्यूक्लियस है जो वो फेरी पे पहुंचने लगे हैं टेंथ डिवीजन के बाद में जैसे ही थर्टींथ डिवीजन आता है थर्टींथ डिवीजन कंप्लीट होता है फोर्टींथ में एक प्रॉपर लेयर बन जाती है न्यूक्लियस की और सेल्स भी यहाँ पे डिवाइड हो जाती हैं ये फाइनली सेल्स बना लेते हैं अपने चारों तरफ सो एज विद ऑल विल फॉर्मेशन जैसे कि हर एक फॉर्मेशन में होता है द फॉर्मेशन ऑफ सेलुलर ब्लास्टोडर्म इन्वॉल्व्स अ डेलिकेट इंटरप्ले बिटवीन माइक्रोट्यूबुल्स एंड एक्टिन फिलामेंट्स जो सेलुलर ब्लास्टोडर्म का फॉर्मेशन होता है यहाँ पे माइक्रोट्यूबुल्स और एक्टिन फिलामेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इसलिए आपने अभी देखा कि पहले यहाँ पे न्यूक्लियस के पास में ये माइक्रोट्यूबल्स और एक्टिन फिलामेंट्स का एग्रीगेशन हुआ और उसके बाद में यहाँ पे सेलुलर ब्लास्टोडर्म का फॉर्मेशन हुआ है माइक्रोट्यूबुल्स जितने भी मूवमेंट होते हैं मेम्ब्रेन का मूवमेंट होता है जो सेलुलर ब्लास्टोडर्म के फॉर्मेशन uh, के लिए न्यूक्लियर का इलांगन होता है एक्टिन पॉलिमराइजेशन है ये सारे इवेंट्स ऐसे हैं जो कि ट्यूब्यूल्स के कोऑर्डिनेशन के थ्रू कैरी किए जाते हैं ट्यूब्यूल्स का यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है फर्स्ट फेज ऑफ ब्लास्टोडर्म सेल्यूलेशन इज कैरेक्टराइज बाय द इन्वेस्टिगेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन बिटवीन द न्यूक्ई टू फॉर्म फरोनाल्स होता क्या है सेलुलर ब्लास्टोडर्म का जब फॉर्मेशन होता है सेल्युलराइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है तो यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन का इन्वेजिनेशन होता है ताकि यहाँ पे फरो कैनाल्स को फॉर्म कराया जा सके न्यूक्लियस के बीच में ये न्यूक्लियस uh, है इसके चारों तरफ ये सेलुलर ब्लास्टोडर्म बन रहा है तो यहाँ पे क्या होता है सेल मेंब्रेन यहाँ पे इन्वेजिनेट करती है मतलब अंदर की तरफ आती है और इन्वेजिनेशन से ही ये अलग अलग सेल्स का फॉर्मेशन करा देती है दिस प्रोसेस कैन बी प्रडिक्टेबली इन्हेबिटेड बाई ड्रग्स दैट ब्लॉक माइक्रोट्यूबुल अब ये जो सेलुलराइजेशन की प्रोसेस है अगर इसको ब्लॉक करना है तो ऐसी ड्रग्स जो कि माइक्रोट्यूबुल्स को ब्लॉक करती हैं अगर उनको यहाँ पर दे दिया जाए तो सेल्युलराइजेशन की प्रोसेस यहाँ पर स्टॉप हो जाएगी ये न्यूक्लियस एज इट इज बने रहेंगे इनके चारों तरफ सेल्स का या बाउंड्री का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा इन सेकेंड फेज ऑफ सेलुलराइजेशन जो पहला फेज है यहाँ पे ये फरो एनाल्स का फॉर्मेशन होता है सेकेंड फेज में क्या होता है रेट ऑफ इन्वेजिनेशन इंक्रीजेस जो रेट ऑफ इन्वेजिनेशन है सेल्स के फॉर्मेशन का जो रेट है वो बढ़ जाता है एंड द एक्टिन मेम्ब्रेन कॉम्प्लेक्स बिगिंस टू कॉन्स्ट्रिक्ट एट वॉट बिलवी द बेसल एंड ऑफ द सेल यहाँ पे जो एक्टिन मेम्ब्रेन का कॉम्प्लेक्स होता है ये एक बेसल एंड पे जाके कॉन्स्ट्रिक्ट होने लगता है इकट्ठा होने लगता है सेल के तो ये प्रोसेस होती है क्लीवेज की आज के वीडियो में हम इतना ही बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे मिड ब्लास्टुला ट्रांजिशन और उसके साथ ही गैस्ट्रुलेशन के बाद में कंप्लीट डेवलपमेंट हम पढ़ लेंगे तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन और अगर आपकी हेल्प होती है हमारे वीडियोज से तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए ताकि थोड़ी सी हेल्प हमारी भी हो जाए सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन